इस प्रेस वार्ता में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमने भी अपने सोशल जस्टिस एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पिछले साल 15 अगस्त को हिंदुस्तान के 272 जिलों में नशा मुक्ति अभियान चलाया था और इन 10 महीनों में ही हमने 35 लाख युवाओं को इस अभियान के अंदर हमने जोड़ा है और 4000 के लगभग जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े कुछ लोग हैं और हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में जो यूथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, उनसे भी हमने संपर्क बना के इस नशा मुक्ति अभियान को गति दी है और हमने इस अभियान के अंदर एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिसमें 180 से अधिक छात्रों ने सोशल मीडिया इंटर्न के रूम में काम किया और हमारे यहाँ 13 लाख से अधिक लोगों से संपर्क किया गया। आज हमने यह संकल्प लिया है आज के इस कार्यक्रम ने कि हम आने वाले दिनों में जो 272 जिले हमने सेलेक्ट किए हैं नशा मुक्ति अभियान में, तो उनमें से हम 100 जिलों को नशा मुक्त बनाएंगे। और आप सब जानते हैं कि वैसे तो कोई 6 करोड़ के लगभग लोग नशा मुक्ति में नशे के कारोबार में और नशे की आदतों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर शराब पीने वालों को भी उसमें जोड़ दिया जाए, अफीम चरस गांजा इनके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 20 करोड़ से भी ऊपर पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए हम विभिन्न अभियान जो हमने पिछले 10 महीने में छेड़े हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आज आ रहे हैं और आगे भी हम नशा मुक्ति के लिए विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर काम करते रहेंगे। और आज जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है उसमें हमने 5 ऐसे युवाओं को भी जो है अपने कार्यक्रम में जनता से रूबरू कराया है, जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस जो हैं एक्सप्लेन किए हैं, और 3 जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा 15-20 साल के जो नशेड़ी थे उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरह से इरका के द्वारा जो हमने इंटेग्रेटेड रिहैबिलिटेशन के जो सेंटर्स नशा मुक्त अभियान के अंदर जो खोले हैं
उनके माध्यम से किस तरह से हमें राहत मिली है। तो इस प्रकार का आज का कार्यक्रम हमारा ये रहा। सर, ये नशा मुक्ति में तो होता था कि नशा एंटी सब्सटेंस अब्यूज के लिए वो प्रोएक्टिव नहीं है या उसके नंबर्स बहुत ज्यादा रीच नहीं होते, उसके लिए कोई एक्शन प्लान? उसके लिए हमने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया था और उसके लिए पोर्टल भी हमारा काम कर रहा है और उसका समय समय के ऊपर हम निरीक्षण करते रहते हैं और जहाँ जहाँ पर भी जो जो ऑर्गेनाइजेशन गतिविधियों के अंदर लगी हुई है उनके हम मोबाइल के माध्यम से वो देखते रहते हैं कहाँ पर क्या काम हो रहा है, कहाँ पर किस तरह से ये कार्यक्रम अपना सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मंत्री जी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है या जिस तरह से अवेयरनेस की बात हो रही है, क्या ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं आपके लिए चुनौती ज़्यादा हो गई है लोगों को नशे से दूर कर पाना? देखिए, एक चुनौती भरा काम है और ये कोई मेरा एक सोशल जस्टिस मंत्रालय का काम नहीं है, इसमें होम डिपार्टमेंट भी, जो नार्कोस का जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर काम कर रहा है और सारे देश से हजारों करोड़ रुपए का जो नशा है उसको जो है जब्त किया जाता है और हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ भी MOU किया है कि जो क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं या इस नशे की आदत में कुछ लोगों को जो है एड्स वगैरह भी हो जाता है तो ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है MOU साइन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इन सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस करती है उन सारी चीज़ों का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत हम मिल बैठकर बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ MOU साइन करते हैं। तो ये एक मिला जुला प्रयत्न है और उसमें एक तो ये है कि ड्रग्स को जब्त करना, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, दूसरा ये है कि जो एडिक्ट हो गए हैं और क्रॉनिक पेशेंट बन गए हैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करना और हमारा डिपार्टमेंट है जो नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से और हॉस्पिटल्स के साथ लाइसेंस करके हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। क्या सर, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कुछ अनुपात में अंतर है या एक ही तरह की स्थिति है? देखिए, अभी इस प्रोग्राम को चले एक साल भी नहीं हुआ है, 15 अगस्त को एक साल होगा। हम बैठक बुलाएंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं, कितनी हमने सफलता उसके अंदर पाई है, शहरों में कितने लोग आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से प्रभावित लोग कितने हमारे नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर आए हैं। तो इन सारों का आंकलन जो है हम अभी अगस्त में जो हमारी रिव्यू मीटिंग होगी उसके अंदर हम करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 6 करोड़ लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट है, अगर अल्कोहल और बाकी नशों की बात करें तो 20 करोड़ है। सर, ये डेटा कब का है? ये डेटा जो है लेटेस्ट है, तो मेरे पास है डिपार्टमेंट में, अभी इस समय तो है नहीं मेरे पास। आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल उसमें सारा डेटा हमारे पास है कितने लोग चरस लेते हैं, कितने लोग भीम के हैं, अफीम खाते हैं और एक पता नहीं जिसे चिट्टा कहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग सबका हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा डाटा है। अब वो अगर आप चाहें तो मैं मंत्रालय से सर, कुछ राज्य विशेष के नाम अक्सर आया करते थे जैसे पंजाब का या दूसरे राज्यों का या काली पहाड़ी जो है जो टूरिस्ट वाले हैं वहाँ बढ़ रहा है, क्या ऐसे पंजाब का देना है? कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक हैं? देखिए, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ और पंजाब मेरा क्षेत्र है। मैं वही बात कह रहा हूँ क्या जो हमारे पास खबरें आती रहती हैं
वो जो पंजाब की जो स्थिति नशे के कारण बिगड़ी है उसकी ओर हमारा जो है वो पूरा ध्यान गया है। और इन 10 महीने में पंजाब में 18 जिलों में हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया और बहुत सफलता पूर्वक हमने जिन जिन बातों का मैंने इसमें वर्णन किया था 92,000 लोगों से हमने पंजाब में रीच बनाई है जो नशे में लिप्त थे। और इसी तरह से हमने यूथ से 70,000 यूथ से संपर्क किया है, 10,000 वोमन से हमने संपर्क किया है और 500 प्लस एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर हमारे वॉलंटियर गए हैं और उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के बारे में जाकर ही इंस्टीट्यूशन के अंदर बातचीत की है और कहा है कि इस काम में कई मंत्रालय अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे मंत्रालय का काम नशा मुक्ति केंद्र चलाना है और अभी 10 महीने हुए हैं। अभी जो हमारा ये अभियान है छोटा सा बच्चे का रूप ही है, जब 1 साल हो जाएगा तो फिर इसकी एक्सपेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम डिफरेंट जो है कार्यक्रम लेंगे। Thank you.